हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा ये नाश्ता, जो सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आप बना लेंगे तो फिर रोज़ रोज़ आपका यही बनाने का मन करेगा, जो कि देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग ही रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा ही है ये। तो इसे आप देखिए कैसा नाश्ता है और इसे एक बार आप ज़रूर से बनाएँ, ट्राई करें, रेसिपी को पूरा देखें और रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ना, ये यूनिक सा नाश्ता हम बनाएंगे मूंग दाल से और उसके साथ में हम एक ट्विस्ट डालेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लाई या फिर मुरमुरे का। तो मूंग का दाल भिगो के मैंने ले लिया है आधा कप के करीब और इसमें दो बड़े चम्मच लाई मुरमुरे हम डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक और एक से दो हरी मिर्च, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तिखाई से नहीं बनाना है। और इसका एक पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट दरदरा टाइप का ही रहेगा, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। और अब इसी बर्तन में जिसमें हमने पीसा है जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो भी बैटर लगा है उसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और करी पत्ता। आप इसमें और भी मनपसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, कुछ भी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सुबह के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जिसे आप एक बार खाएंगे तो पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। और गर्मियों में बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल नाश्ता है, एक बार बनाए और दिन भर की फुर्सत हो जाए, पेट तो इससे भरेगा ही और ये पूरी तरह से हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी तो है ही, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और ये बहुत क्विकली बन भी जाता है। और मेन बात ये है कि जीरो ऑयल, बस इसे कुछ ड्रॉप्स ऑयल में ये नाश्ता बन जाएगा। इसे हम एक स्पैचुला से लेके किसी भी फ्राई पैन में या जहाँ भी आपको सुविधा हो आप तवे पे भी बना सकते हैं। इसको देखिए हम एक स्पैचुला से छोटा छोटा पैनकेक टाइप का डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद फिर पलट लेंगे और पलट पलट के हल्का सा फिर एक बूंद तेल डाल देंगे हम और दोनों तरफ से इस तरह से क्रिस्पी करारा सेक लेंगे। और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मुरमुरा डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा क्रंचनेस आ जाती है, इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है जिसे एक बार तो बनाना बनता है। और यकीन मानिए आपने ये रेसिपी पहले कभी देखी नहीं होगी, कुछ यूनिक टाइप का ये रेसिपी है। इस तरह से इसे आप बना सकते हैं और टिफ़िन में भी इसे दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने सारे पैनकेक्स एक करके एक करके बना लेंगे और देखिए ये हमारा बिल्कुल टेस्टी और जीरो ऑयल का हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है, जो कि मूंग दाल से बना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल है। इसमें आप और भी मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं तो ये और भी हेल्दी हो जाएगा। इसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया है।